टिकटॉक जैसे बैन चीनी ऐप्स को भारी नुकसान, भारत में करोड़ों डाउनलोड, अरबों की कमाई। जी हाँ दोस्तों, बैन का सामना करने वाले लोकप्रिय चीनी ऐप्स में यूसी ब्राउजर, टिकटॉक, सेरेट, बीचैट, एमआई कम्युनिटी जैसे चर्चित ऐप भी शामिल हैं। सरकार ने ऐसे चीनी ऐप पर रोक लगाया है जो मुख्यतः गैर फाइनेंशियल नेचर के हैं। चीन की दिग्गज कंपनियों में अलीबाबा, बाइटडांस, बाइडू, टेंसेंट आदि ने इन ऐप में भारी निवेश किया हुआ है। सरकार ने 59 चीनी ऐप पर लगा दिया है बैन। इन ऐप्स के लिए भारत सबसे प्रमुख बाजार। केंद्र सरकार ने सुरक्षा और निजता का हवाला देते हुए लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक, सेरेट और बीचैट समेत कुल 59 चीनी ऐप पर पाबंदी लगा दी है। चीन के साथ तनाव के बीच इन ऐप पर रोक लगाने की मांग की जाने लगी थी। इन ऐप्स का भारत में अरबों का कारोबार है और इनके डाउनलोड का बड़ा हिस्सा भारत में ही होता है। बैन का सामना करने वाले अन्य लोकप्रिय चीनी ऐप्स में यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज और एमआई कम्युनिटी जैसे चर्चित ऐप भी शामिल हैं। सरकार ने ऐसे चीनी ऐप पर रोक लगाया है जो मुख्यतः गैर फाइनेंशियल नेचर के हैं। चीन की दिग्गज कंपनियां अलीबाबा, बाइटडांस, बाइटू, टेंसेंट आदि ने इन ऐप में भारी निवेश किया हुआ है। भारत में इनकी डाउनलोडिंग का बड़ा हिस्सा है, इसलिए इन कंपनियों को आर्थिक रूप से भारी नुकसान हो सकता है। इनके वैल्यूएशन पर भी असर पड़ सकता है। भारत के कुल ऐप डाउनलोड का करीब 50% हिस्सा चीनी ऐप का ही होता है। टिकटॉक के मालिक बाइटडांस को भारी नुकसान। बैन होने वाले ऐप में भारत में सबसे लोकप्रिय टिकटॉक के 30% यूजर भारतीय हैं और इसकी करीब 10% कमाई भारत से होती है। इस ऐप का संचालन चीनी कंपनी बाइटडांस द्वारा किया जाता है। टिकटॉक के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। टिकटॉक के वैसे 20 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। पिछले साल भारत में इसके 8.1 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर थे जिन्होंने इस पर 5.5 अरब घंटे खर्च किए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गौरतलब है कि चीनी कंपनी बाइटडांस का मार्केट कैप करीब $110 अरब, इन्हें अगर रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो यह लगभग 8,30,547 करोड़ रुपये बनेगा। बाइटडांस सिर्फ टिकटॉक ही नहीं बल्कि दूसरे बैन हुए लोकप्रिय ऐप हेलो को भी मालिक है। भारत में इसका संचालन बाइटडांस इंडिया सर्विसेज लिमिटेड के नाम से होता है। यही नहीं, बीगो वीडियो ऐप की मालिक भी बाइटडांस ही है। टिकटॉक की भारत से है इतनी कमाई। बाइटडांस ने साल 2018 में म्यूजिकली को भी खरीद लिया है। टिकटॉक ने अक्टूबर से दिसंबर 2019 तक की तिमाही में भारत में 25 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ऐप पर विज्ञापनों के जरिए कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही थी। कंपनी ने इस साल 100 करोड़ रुपए कमाई करने का लक्ष्य रखा था, $1 अरब के निवेश की योजना। कंपनी ने अगले 3 साल में भारत में $1 अरब यानी करीब 7,550 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई थी। यही नहीं, कंपनी का लक्ष्य इस साल भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 1,000 तक पहुंचाने की थी। टिकटॉक के अलावा अन्य बैन हुए सेरेट, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, लाइकी, बीगो चैट, बीगो कैम, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर के लिए भी भारत एक बहुत बड़ा बाजार था। यूसी ब्राउजर देश में गूगल क्रोम के बाद सबसे बड़ा ब्राउजर बन गया था। यूसी ब्राउजर को भी भारी नुकसान। भारत में चीन का यूसी ब्राउजर भी काफ़ी लोकप्रिय हो गया था, जिस पर अब बैन लग गया है। इसकी मालिक चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा है। यह दुनिया के सबसे बड़े थर्ड पार्टी मोबाइल ब्राउजर होने का दावा करती है। दुनिया भर में इसे करीब 110 करोड़ लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, जिसमें करीब आधा हिस्सा भारत में ही है। इसके 13 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। ये हैं बैन चीनी ऐप्स की पूरी लिस्ट। जान लेते हैं जो 59 ऐप सरकार द्वारा बैन की गई हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है टिकटॉक, सेरेट, कवाई, यूसी ब्राउजर, बाइडू मैप, सेरिन, क्लैश ऑफ किंग्स, ड्यू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यूकेम मेकअप, एमआई कम्युनिटी, सीएम ब्राउजर, वायरस क्लीनर, एपोस ब्राउजर, रोम वी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूटी प्लस, बी चैट, यूसी न्यूज, क्यूक्यू मेल, बीबो, जेंडर, क्यूक्यू म्यूजिक, क्यू क्यू न्यूज़ फीड, बीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस 31, मी वीडियो कॉल, श्याओमी, बी सिंक, ES फाइल एक्सप्लोरर, बीवा वीडियो, क्यू यू वीडियो, INC, मेटू, बीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, DU रिकॉर्डर, वॉल्ट हाइड, कैच क्लीनर, DU ऐप स्टूडियो, DU क्लीनर, DU ब्राउजर, हागो प्ले विद न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, क्लीनर, क्लीन मास्टर, चीता मोबाइल, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, क्यू क्यू प्लेयर, बी मीट, स्वीट सेल्फी, बाइडू ट्रांसलेट, बी मेट, क्यू क्यू इंटरनेशनल, क्यू क्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यू क्यू लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लेजेंड्स, DU प्राइवेसी। तो दोस्तों, आपके लिए सवाल, जो मोदी सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो चीनी ऐप को बैन किया गया है,
इंडिया में, वो किस हद तक सही है आपकी राय जानना जरूरी है, तो हम आपकी राय जानना चाहेंगे जो सरकार ने ये कदम उठाया है। वैसे हर सरकार यह कदम नहीं उठा सकती, लेकिन सरकार ने कुछ सोचकर उठाया है, तो आप सरकार के साथ हैं या फिर सरकार के खिलाफ हैं? ये जो चीनी यह बैन किए गए हैं यह किस हद तक सही हैं, या ये जो सरकार का फैसला है वह सही है गलत, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ न्यूज़ को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।